दोस्तों अगर आपके पास विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मेरे पीछे आपको दिख रही होगी और बार बार यहाँ पे पॉपअप भी आता हो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे 7 स्पेशली डिवाइस नॉट रजिस्टर्ड प्रेस ओके टू रिट्राई इस प्रकार से, तो लेके आए एक फाइनल वीडियो कि ये इशू में क्यों आ रही है, इसे कैसे फिक्स किया जा सकता है और हमें टेम्पररी एंड परमानेंट, कुछ लोग विंडोज 7 में ही इंस्टॉलेशन बता रहे हैं कि उनका काम कर जा रहा, तो उस लोग कैसे बता रहे, इन सब को लेके आपके लिए कम्प्लीट वीडियो, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो बिना प्लीज स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहला सवाल होगा आपको कि पहले आपके विंडोज में चाहे 10 हो 7 हो, 10 तो अभी सही हो गया, 7 स्पेशली काम कर रहा अचानक से काम करना बंद कर गया, तो यहाँ पे मेजर इशू है कि विंडोज 7 पे मोर्फो ने अपने सारे सपोर्ट हटा लिए, मंत्रा ने भी हटा लिए थे लेकिन मंत्रा को जुगाड़ करने पर स्टोर तक काम कर जाता है, लेकिन विंडोज 7 पे अब आपका मोर्फो डिवाइस नहीं चलेगा। अब कुछ लोग तथ्य है, कुछ जुगाड़ कुछ ट्रिक्स कुछ टिप्स लगा के कुछ कुछ विंडोज पे काम करवा दे रहे हैं, लेकिन वो भी ये भी कह रहे हैं कि सब पे काम नहीं करेगा, अगर 10 पीसी है उसमें 2-3 पे काम कर जा रहा है। कई सारे मैंने अलग अलग वीडियोस देखे, बोलो कोई ना कोई तो सॉल्यूशन डाला हुआ एक्सपेरिमेंट करके, लेकिन मैं देखा सब में प्रोसेस तो बता रहे हैं लेकिन गारंटी नहीं ले रहे कि सभी पीसी पे ये काम करेगा। मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि इनका विंडोज 7 पे भी काम कर जा रहा है, फिलहाल अभी दिक्कत उन भाई लोग के लिए जिनके पास पुराना पीसी है डेस्कटॉप है जो विंडोज 7 को ही परफॉर्म करता बहुत ही बेहतर चलता, अगर विंडोज 10 डाल भी दिया जाए तो उस पीसी को मर जाना और विंडोज 10 चलाना दोनों एक बराबर बातें होती है, यानी कि विंडोज 10 चलने के बाद ऑपरेटिंग डालने के बाद उनका काम ही नहीं करेगा, उनका सिस्टम चलना बहुत ही ज्यादा हैंग, कोई फाइल नहीं खुलेगा कुछ नहीं खुलेगा तो काम ही नहीं कर पाएगा, तो भैया विंडोज 10 डाल के फायदा क्या है। ऐसे भी लोग जिनका ओल्ड पीसी उसका मैं जुगाड़ आगे वीडियो में बताऊंगा क्या करें जो परमानेंट आपको चलता रहे, इसे उस सॉल्यूशन बता रहा विंडोज 7 में ये फाइल कॉपी कर लो ये सिलेक्ट कर लो, तो ये टेम्पररी सॉल्यूशन है आपको लॉन्ग टर्म ये काम नहीं करेगा, ये बाद में आपको इशू देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैंने कई सारे टिप्स अपने इस विंडोज में डाला फिर यही ऑप्शन आने लगा, कुछ हद तक चला फिर ऐसा ही हो गया। तो समझते विंडोज 7 में किनका काम यहाँ पे कर जा रहा था, तो देखो विंडोज 7 जब लॉन्च हुआ था सिर्फ विंडोज 7 एक ही विंडोज 7 लॉन्च हुआ, विंडोज 7 सर्विस पैक 1 हुआ था 2 हुआ था अलग अलग सर्विस पैक, विंडोज 7 32 बिट विंडोज 64 बिट, तो सिर्फ एक विंडोज 7 नहीं होता, विंडोज 7 पे कई सारे अलग अलग एडिशन होते हैं, कुछ के एडिशन अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं जब तक उसे मोर्फो ऑफिसर की तरफ से डिसकंटिन्यू नहीं किया गया तब तक उस पर कुछ ना कुछ ट्रिक लगाने में काम कर जाएंगे, जिनका काम नहीं कर रहा है वो नाक ना कर लो सब चीज कर लो नहीं से नहीं काम, जैसे कि मेरे इस पीसी में दिक्कत मुझे देखने को मिल रहा है, बट अब क्या करें काम भी नहीं कर रहा है, आपके लॉस पे लॉस लग रहे हैं, जो आपके शॉप पे रेगुलरली बेस पे जो काम होता है जो फिंगर डिवाइस के मदद से होते वो काम आप नहीं कर, चाहे ईपीएस की बात हो चाहे पैन कार्ड अप्लाई की बात चाहे पीएम किसान की बात हो, अलग अलग तरह जितने भी काम करते थे आपके वो काम तो ठप हो गए रुक गए इस फिंगर डिवाइस के लिए। तो यहाँ पे आपका दो सॉल्यूशन टोटल देखने को मिलता है, पहला सॉल्यूशन है कि आप एक मंत्रा डिवाइस ले लो और विंडोज 7 पे इंस्टॉलेशन जुगाड़ कनेक्ट कर लो, जो लगभग 2000 से 2500 के बीच आती है, आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा तो इतना सा तो करना ही पड़ेगा और आप उसको विंडोज 7 पे ही यूज कर सकते हो, आपको बिना कोई दिक्कत के यहाँ पे चला सकते हो, अगर खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा आप चेकआउट कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन आप अपने विंडोज 7 को विंडोज 10 कर, अब आप कहोगे यहाँ पे विंडोज 8 या 8.1 की बात मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये दोनों सक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे जिस कारण आपको विंडोज 10 इसे करना होगा। अब कई सारे भाई लोग कहेंगे विंडोज 10 ऑलरेडी करवा के चेक करवा चुका उनका काम नहीं किया पीसी हैंग करता है, तो आप मैं एक चीज बता दूं कि विंडोज 10 सिर्फ एक ही विंडोज 10 नहीं, विंडोज 10 में भी अलग अलग एडिशन है जो अलग अलग पीसी एंड उसके पीसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके बेस पे दिया गया है, जो सबसे लोएस्ट होती है सबसे कम रिक्वायरमेंट छेकने वाला होता है वो है विंडोज 10 होम वर्जन। अगर आप विंडोज 10 डलवाते तो विंडोज 10 का होम 64 बिट डलवाएं, मिनिमम आपका 2 गीगाहर्ट्ज़ 1 गीगाहर्ट्ज़ पे भी स्पीड क्लॉक रेट स्पीड रहेगा वो चल जाएगा, 2 GB रैम भी रहेगा उस पे भी काम कर जाएगा और नॉर्मली आपके विंडोज 7 के ही तरह चलेगा। अगर आपके पीसी थोड़े परफॉर्मेंस अच्छे तो विंडोज 10 प्रो वगैरह यूज कर सकते हो, जिसका मैंने लाइव 1 घंटे का वीडियो शूट करके उसे कट करके आपके लिए शॉर्ट में विंडोज 7 से अपने पीसी को विंडोज 10 किया और लाइव चलाकर एरर दिखाया फिर उसे सक्सेस इंस्टॉल करके दिखाया, जिसके वीडियो आप चेकआउट करना चाहते हैं तो ऊपर आई इन्फो पे या फिर इन स्क्रीन या फिर डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो दे दूंगा आप चेकआउट कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन ये है कि या तो मंत्रा डिवाइस ले लो या फिर आप विंडोज 7 को विंडोज 10 होम एडिशन जहां डलवान जाते हो सॉफ्टवेयर डलवान जाते हो वहां बोलो विंडोज 10 होम हमें डलवाना है, डला लो आपका डिवाइस भी सही काम करेगा पीसी उतना लैग भी नहीं करेगा क्योंकि ये कम रिक्वायरमेंट वाले पीसी के लिए स्पेशल विंडोज 10 होम बना हुआ है। बाकी आप कई सारे जुगाड़ देख सकते हो यूट्यूब पे जो परमानेंट तो नहीं लेकिन कुछ कुछ पीसी में टेम्पररी रूप से काम कर रहा है,
एंड बाकी और कोई जुगाड़ अगर निकलता है तो मैं वीडियो लेके आऊंगा ही आऊंगा, उसके चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना। और फिलहाल अभी मेन इंपोर्टेंट चीज है कि विंडोज 7 में आपका मोरपो अब काम नहीं करेगा। विंडो 10 में कैसे इंस्टॉलेशन तो काम कैसे करा, क्लोज कैसे करना है, उसके लिए मैंने 7-10 करके यूट्यूब चेकआउट कर सकते, बताया हूँ विंडोज 7-10 किया, उसके लाइव सक्सेस टेस्ट करके दिखाया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।